गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो मेक श्योर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रुक जाए, जरा मैं इसको सेट कर लूँ। ऑलराइट सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से व्लॉग बना रहा हूँ। गुड इवनिंग मैंने इस वजह से बोला क्योंकि अभी यहाँ पे हो रहा है 5:15 और सुबह मैंने अपना सारा काम निपटाया जिस काम से लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, वो डेली के बेसिस पे होगा बेसिकली। तो व्लॉग्स अमूमन शाम के टाइम ही ऑन कर सकूँगा मैं, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे बहुत काम होता है, काफ़ी बिजी होता है यहाँ पे मैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो मेक श्योर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चले, आज का कुछ प्लान ये है कि बेसिकली यहाँ से मॉल ऑफ द एमिरेट्स एक्सप्लोर करते हैं, देन फिर आगे कुछ हुआ तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आइए चलते हैं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं फिर। ऑलराइट गाइस, सो आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका कि मॉल ऑफ द एमिरेट्स तो बेसिकली मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी कि दिखा नहीं सका बिकॉज के ट्रेन में काफ़ी रश हो रहा था और मुनासिब नहीं था कि मैं आप लोगों को के लिए व्लॉग कर पाऊँ क्योंकि बैठने की भी जगह नहीं थी। तो आई एम सो सॉरी, अब आगे यहाँ से मॉल ऑफ द एमिरेट्स, देन फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या सीन आएगा और क्या एक्सप्लोर करना आएगा। इन केस वाई कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा क्योंकि दिस मॉल इज़ गोइंग टू बी सो फ्रीकिंग ईजी, कोई यहाँ पे घूमने लाइक चीज़ें नहीं है, जस्ट सिंपल मॉल हैगा। सुपर कार्स खड़ी हुई होती हैं बेसिकली नीचे इसके विले में, मुझे वहाँ का अगर कोई रास्ता मिल जाए तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँ। देन यहाँ पे आइस रिंक हैगा जो कि इंडोर आइस का हैगा, तो वहाँ पे भी देखता हूँ कि वहाँ का भी क्या ब्लॉक करना है और क्या नहीं, वरना अदरवाइज़ ये मॉल बिल्कुल खाली हैगा यार। मेरी एक्सपेक्टेशन से मैं समझा कि यहाँ पे काफ़ी रश होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये मॉल बिल्कुल खाली हैगा, और मतलब कितना भी खाली नहीं है, बंदे हैं लेकिन इतने नहीं हैं। सो मैं दिखा देता हूँ आपको मॉल कैसा आएगा, कैमरा स्वाइप करके मैं आपको बताता हूँ। इन केस कि आप सोच रहे होंगे कि ये दुबई मॉल से बिल्कुल अलग है, तो बी कुल ये दुबई मॉल से बिल्कुल अलग है। दुबई मॉल एक अलग चीज़ है कि, और ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और सॉरी शॉपिंग मॉल्स क्या, यहाँ पर सारे ब्रांड तो दुबई मॉल्स में भी है, लेकिन इसका लुक बिल्कुल चेंज है दुबई मॉल से, जैसे कि आप देख सकते हैं। केस वंडरिंग कि मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ इसकी, क्योंकि हबलोट इज़ माई फेवरेट ब्रांड, इसकी वॉचेस मुझे बहुत ही पसंद है, और इन केस इन लाइफ इन फ्यूचर या फिर मैं हबलोट इन फैशन ये वाली लूँगा इंशाल्लाह, या फिर मैं क्लासिक फैशन ये वाली लूँगा इंशाल्लाह। इन केस इफ़ यू लॉस समवेयर और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो बेसिकली पूरा गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई है कि कैसे। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो मॉल है वो बिल्कुल लकी बन जाते हैं बेसिकली, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही हो तो बोर्ड्स वगैरह पे सब पे लिखा हुआ होता है कि क्या करना है क्या नहीं और कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैंगे। और नीचे ऐसी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं डिजिटल स्क्रीन्स के, आप वहीं पर सिर्फ सर्च करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग जाएगा, नो फॉर एंटरटेनमेंट। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से इसके दुबई जाऊँ, इसके दुबई में आपको दिखा दूँ, बेसिकली मुझे इसके दुबई में भी जाना है, लेकिन उसका नेक्स्ट उसका कोई अलग ब्लॉग होगा। तो इनके इसके इसके ब्लॉग मिस हो जाएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस अभी फ़िलहाल यहाँ से डायरेक्ट इसके दुबई, दैन फिर वहाँ का फिर ब्लॉग करता हूँ कि वहाँ पर और क्या आएगा और क्या नहीं। यू कम टू सेकेंड फ्लोर, बेसिकली सेकेंड फ्लोर पे नहीं आए, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप लोग सेकेंड फ्लोर पे ना आए, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है इसकी दुबई। सो अगर आपको जब भी आना है तो ग्राउंड फ्लोर पे सर्च कर लीजिएगा, देन इसकी दुबई आपको वहीं पे मिल जाएगा। और क्या करना था इसकी दुबई मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये सबसे बड़ा इनडोर एक इसकी बनाया हुआ है, सो
मैं आपको कैमरा स्वाइप करके बता देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ का थोड़ा नज़ारा चेक कर लीजिए कि मॉल है कैसा। आपने दुबई मॉल तो देख लिया होगा ना बेसिकली, तो अब ये वाला मॉल देख लीजिए थोड़ा सा। इनकेस के अगर आप लोग अंदर आना है तो यू विल बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो -6 है। सो अगर आपको कोल्ड फोबिया है तो प्लीज़ ना आइए। और ये कुछ इस तरीके से लगता है बेसिकली। यहाँ का भी एक अलग से ब्लॉग करना है इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर यहाँ का ब्लॉग करूँगा। ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे तो माइक से आई डोंट नो व्हाई क्योंकि आवाज़ बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा सीन है यहाँ का, यहाँ का एक अलग ब्लॉग करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं अंदर बेसिकली आया नहीं हूँ, लेकिन इस दुबई मॉल में तो मैं एमिरेट्स मॉल में तो मैं बताने के लिए आ गया। ये पूरी सिटी चेयर, ये सारी चीज़ों का ब्लॉग करना पड़ेगा मुझे, तो अभी सिर्फ यहीं से बाहर से देख लीजिए, देन फिर देखते हैं कि आगे और क्या करना है और क्या आने की। Alright guys, so इसके दुबई इज़ ऑन बिहाइंड मी, ये पीछे मेरा पूरा इसके दुबई है। सो इसका मैंने ब्राउशर्स वगैरह ये सब ले लिए हैं और इसके अंदर सब प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं, तो इन केस के आप लोगों को ये भी इंक्वायरीज हैं मैं आपको ब्राउशर वगैरह दिखा देता हूँ। इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से लगता है बाहर का, एंड फिर यहाँ से फिर इंटर होते हैं इसके दुबई के अंदर और सारे सीन्स वगैरह सब यहीं से स्टार्ट होंगे। तो अभी आपका भाई नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपके भाई को कहीं और जाना है, कुछ काम हैगा। सो होपफुली जब भी मैं फ्री होऊंगा इंशाल्लाह इसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा। और क्या हो गया फोकस, और इसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अंदर का क्या एक्सपीरियंस है और क्या नहीं। सो अभी और क्या आपको एक्सप्लोर करूँ यहाँ का, थोड़ा मुझे अपनी एडिटिंग पे काम करना है, तो एडिटिंग जैसे ही ख़त्म होती है कि मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि और क्या करना है और क्या नहीं। तो जब तक के लिए मुझे थोड़ा काम करने थे, देन फिर इसके बाद मिलते हैं। इन केस वंडरिंग आप लोग सोच होंगे कि यार मैं अकेला कैसे घूम रहा हूँ, तो भाई ये दुबई है और यहाँ पर फैमिली बना के भी आप घूम सकते हैं और फैमिली बना के भी आप मॉल के अंदर अकेले आ सकते हैं। तो बस और तो कुछ नहीं, बस यही बताना था कि पाकिस्तान में गया, प्लीज़ हम लोगों की थोड़ी इज्जत कर लो क्योंकि हम लोगों को भी यार घुसने दिया करो बिना फैमिली के। यहाँ पे तो जैसे घुसने देते वैसे तो घुसने दिया करो, लेकिन अदरवाइज़ फिर भी खैर है। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट, ऑफ माय गॉड। चलो ऊपर से थोड़ा आपको इसके दुबई का नज़ारा चेक करवाता हूँ, देन इसके बाद घर पे। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली ये पीछे तो कुछ ऐसा लगता है और ऊपर से इट्स अ सेकंड फ्लोर में भी, और ये पूरा एसके दुबई का एरिया है, ये पूरा एसके दुबई है। इसका मैंने ब्राउशर्स वगैरह ले लिए हैं, तो इंशाल्लाह अपकमिंग फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इसका व्लॉग बनेगा और व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी और क्या, यहाँ पे सब सेम चीज़ें हैं बेसिकली। इट्स दुबई मॉल से तो काफ़ी छोटा है मॉल ऑफ द एमिरेट्स, लेकिन इसके जो एक जो अट्रैक्शन हैगी वो ये इसकी दुबई हैगी। सो आई होप के मैं आपको ऊपर से थोड़ा नज़ारा करवा देता हूँ। ये पूरा ऊपर से कुछ इस तरीके से लगता है और अभी तो उसको ऐसे डिफ़ाइन करना तो सही नहीं रहेगा जब तक मैं इसका अंदर का ब्लॉग नहीं बनाऊँ।
तो इंशाल्लाह फिर इसके अंदर का एक ब्लॉग बनेगा। दैन फिर वो बेसिकली आपको जो नज़र आ रहा है वो टाइपिंग शो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ब्लॉग में पता चलेंगी जब इसका अंदर का ब्लॉग बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा आज का। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो मुझे इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें दिखाने के लिए, तो वो मैं ज़रूर ज़रूर व्लॉग के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ही पता चलेगा कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है और क्या इंटरेस्टिंग नहीं। सो और कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग थी नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊँ। इसके अलावा विला है, लेकिन वो स्पोर्ट्स कार का एक अलग मैं व्लॉग बनाऊँगा कि कहाँ पर स्पोर्ट्स कार्स वगैरह, डील्स ऑन व्हील्स आप लोगों ने काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा। देन मैनी लैम्बोर्गिनी हो गई, बेंटली हो गई, बुगाटी हो गई, इन सब के व्लॉग बनेंगे इंशाल्लाह। पूरे दुबई में जब आया हुआ हूँ तो सबके व्लॉग बनाऊँगा। सो अभी आज के लिए इतना ही, बस अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया। जिस जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और जिस जिस लोगों को मेरे प्रीवियस व्लॉग देखने हैं दुबई के वो यहाँ पर क्लिक कर दें। तो फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।